हैदराबाद जा रही बरुआ शताब्दी एक्सप्रेस कायथा पेट्रोल पंप के समीप सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्राइवर को नींद का झोंका आने से बस बेकाबू होकर पलट गई। वही घटना की जानकारी लगते ही कायथा पुलिस मौके पर पहुंची एवं घायलों को जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर किया गया। वहीं एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं मृतक को तराना सिविल हॉस्पिटल को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। वहीं एक यात्री की उज्जैन घायल अवस्था में ले जाने के कारण मौत हो गई। वहीं बाकी यात्रियों का शासकीय चिकित्सालय उज्जैन में इलाज जारी है। वहीं अंथा मोड़ की वजह से पूर्व में तराना के जलील शाह के परिवार की 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। क्या हुई है तो क्या है पूरा कारण? ये अहमदाबाद इटावा शताब्दी बस्ती के जो लगभग 4 बजे के आसपास पेट्रोल पंप और आसाराम बापू आश्रम के बीच में अचानक से पलट गई थी। जैसे ही सूचना मिली हम लोग मौके पर पहुंचे, घायलों को उज्जैन बचा, जिसमें से एक घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। उसके डेड बॉडी को राना खाने भिजवाया था, जिसका क्लेम वगैरह करा कर उसके परिजन को सूचित किया गया। सर सूत्रों द्वारा जानकारी कि ड्राइवर की झपकी आने के कारण ये हादसा हुआ है, तो क्या है सर इसे? हाँ ऐसे ही, क्योंकि एक तो मौत भी है और बारिश और इसकी वजह से ड्राइवर को नींद लग गई हो या जो भी कारण रहा हो, लेकिन उसमें लापरवाही प्रतीत हो रही है। सर पूर्व में भी तराना के जलील शाह के परिवार के 6 लोगों की मौत हो चुकी थी उस घटना स्थल पर, तो क्या वो सर टर्निंग पॉइंट है? वो ऐसा जगह ऐसी है कि वहाँ पे जो बच्चा अगर कोई भी वाहन अगर अपने स्पीड को नियंत्रित नहीं करेगा तो दुर्घटनाओं के चांस बने रहते हैं। पहले भी वहाँ पे घटना हो चुकी है, परिवार पूरे परिवार के लोगों की डेथ उसमें हो चुकी है, और उसके लिए हम PWD से बात करेंगे कि ऐसा कुछ हो वहाँ पे कि उससे संकेतक वगैरह लग जाए जिससे कि दोबारा ऐसी घटनाएँ ना। सर सूत्र द्वारा जानकारी ये भी है कि उज्जैन में भी एक इलाज के दौरान एक की मौत हुई है, मतलब टोटल 2 मौतों का आकलन हुआ। लोगों की मृत्यु हुई है, एक वहाँ उज्जैन हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है और एक की घटनास्थल में जिसकी हुई थी उसको तत्काल गया था, और घायलों को भी। सर बस में कितने यात्री सवार थे टोटल उसमें? अब वो उसमें 25 से 30 लोग रहे होंगे अंदर, क्योंकि 14-15 लोगों को हमने भेजा है और कुछ लोग ठीक भी हैं। सभी आंकड़ा तो वो बाद में पता चलेगा। थैंक यू सर। तराना से अर्पित बोडाना की रिपोर्ट।